नमस्ते दोस्तों, आई एम डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान, सीनियर सिटिंग डॉक्टर शिवाय हॉस्पिटल एंड स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा एवियन स्पाइन एंड जॉइंट डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, आज हम दो डिजीज ऐसी जिसके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा वरीज बहुत पेशेंट टेंशन में रहते हैं उसके बारे में, और एवियन के साथ साथ एक एंकलाइजिंग एक नाम आपने सुना होगा काफ़ी पेशेंट्स को, मैंने वीडियोज में बताया भी हुआ है, मैंने लाइव भी उस बीमारी के बारे में कर रखा है कि एंकलाइजिंग क्या होता है। और आज हम उन दोनों डिजीज के बारे में कंसल्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चेंजेस पेशेंट्स में आए हैं और पेशेंट कब से इन दोनों बीमारियों से परेशान है। सबसे इम्पोर्टेंट कि एंकलाइजिंग के बारे में मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आप सभी को दी है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एंकलाइजिंग बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन है मेडिकल साइंस की, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जिसके लिए हम HLA-B27 का टेस्ट करवाते हैं। सभी डॉक्टर्स जो भी इस डिवीजन के हैं, जो भी इस ऑर्थोपेडिक या ऑर्थो रेंज में ट्रीटमेंट कर रहे हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो HLA-B27 करवा के ही एंकलाइजिंग को कनेक्ट कर सकते हैं, एंकलाइजिंग को डायग्नोज कर सकते हैं। अब जो पेशेंट मेरे साथ आज जो मदन लाल हैं, वो पंजाब से थे बेसिकली, और नवंबर में ये फर्स्ट टाइम मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो जब मेरे पास पहली बार आए थे तो कंडीशन इनकी एवेस्कुलर नेक्रोसिस की थी। कुछ सिम्टम्स हमें एंकलाइजिंग के भी मिले, जिसमें लोअर बैक पेन होना या मल्टीपल जॉइंट्स पेन होना, तो कुछ सिम्टम्स लगे जिसके टेस्ट भी उन्होंने करवाए थे, तो उसमें HLA-B27 पॉजिटिव आया था। और हमने CRP और ESR लेवल भी चेक किया था, जिसका रिजल्ट हमें दोनों लेवल इंक्रीज मिले थे, जिसके कारण ये HLA-B27 का क्लियर केस डायग्नोस हुआ। साथ साथ जब हमने इनका एवास्कुलर नेक्रोसिस चेक किया, तो उसमें AVN में बायलैटरल हिप जॉइंट में एवास्कुलर नेक्रोसिस था, जो कि फोर्थ स्टेज में पहुंच चुका था। तो जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था, तो इनका एक्सरे मैं दिखा दूं पहले आपको, ये मदन लाल है, ये 6 नवंबर का एक्सरे है जब ये मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे, बिकॉज ऐसी कंडीशन थी। 6 नवंबर, गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल जलंधर सिटी, मदन लाल 36 ईयर ओल्ड। तो ये पेशेंट थे। तो मदन लाल कहाँ से हैं बेसिकली? हम पंजाब से हैं सर। पंजाब से, क्या परेशानी थी मदन लाल पहले आपको? मुझे एवियन की प्रॉब्लम थी सर। मतलब कैसे मालूम पड़ा, क्या हुआ था? मुझे एकदम इधर से दर्द शुरू हुआ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पेन हुआ, तो मुझे चलने में भी बहुत प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ठीक है। तो बाद में डॉक्टर से कंसल्ट किया, उसने मेडिसिन दिया, ऐसा खाता रहा मेडिसिन। कितने दिन तक मेडिसिन खाई? मेडिसिन पहले तो 6 मंथ की खाई, बाद में जब ही डॉक्टर ने बोला कि MRI करवाओ, MRI करवाई, तो मुझे एवियन का प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो उसके पहले मतलब जो मेडिसिन एक खिला रहे थे आपको, कितने दिन तक मेडिसिन खाई वाली? 6 मंथ का तक। 6 मंथ खाई, तब तक कोई डायग्नोस नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उसमें, कुछ रिलीफ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, अभी डॉक्टर बोलते हैं, जिस डॉक्टर के पास जाओ वो बोलते हैं रिप्लेसमेंट, पूरा जगह घुमाऊं। क्या एश्योरिटी देते हैं डॉक्टर कि रिप्लेसमेंट के बाद हम 100% सही कर देंगे? नहीं नहीं, वो बोलते हैं कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं वो? कितनी फीस है उस रिप्लेसमेंट की? उसकी 4 लाख बोल रहे हैं। 4 लाख, तो और क्या बोलते हैं कि उसकी कोई गारंटी गारंटी नहीं है, 6 मंथ आपको बेड रेस्ट है, ठीक है जी, ऐसा बोल रहे हैं। तो मतलब तो फिर क्या ऑप्शन लगता है, फिर क्या किया उसके बाद, फिर क्या हुआ? फिर मैंने आपका जैसे यूट्यूब सर्च करता रहा, तो आपकी वीडियो देखी, तो आपकी वीडियो देख कर मैंने आपकी एक्सरसाइज की, आपको फॉलो करता रहा, तो आपके पास आना था। स्कैन कहाँ थे तुम? मैं दुबई में था। दुबई में थे जी, तो तब तक वीडियोस फॉलो कर रहे थे। हाँ, वीडियो तो क्या चेंजेस लगे उससे? उससे मेरा दर्द कम हो गया, मैं थोड़ा चलने लगा। तब तक कोई मेडिसिन दी थी मैंने वहाँ पर दुबई पहुँचाई थी मैंने आपको मेडिसिन? हाँ, एक मैंने पहले एक्सरसाइज फॉलो की, बहुत मुझे रिलीफ मिला, मैंने एक्सरसाइज से इतना रिलीफ मिला, तो मेडिसिन खाने के कितना रिलीफ मिलेगा। फिर आपसे 1 मंथ का मेडिसिन खाया, ठीक है, तो मेरा दर्द बहुत ज्यादा कम हो गया, मैं चलने लगा और गाड़ी भी चलाने लगा। अच्छा, तो फिर मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी आपको मार्च के लिए, ठीक है, तो बाद में लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं उधर ही फंस गया। तो मतलब तुमने मेडिसिन कब यूज की थी हमारी? मेबी 7-6 मंथ पहले ली थी। 6 मंथ पहले ऑलमोस्ट वही होगा, ये 2020 में यूज किया तुमने मेडिसिन, अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल में? जी जी, ठीक है। तो ये आज का हम जो वीडियो आज हम ले रहे हैं इनका, वो है जनवरी 2021 का।
इन्होंने 6 मंथ पहले मेरी मेडिसिन ली थी, तो उसके बाद इसके पहले भी ये मेरे एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे थे, डाइट प्लान फॉलो कर रहा था जो मैंने यूट्यूब पर भेज रखा है आपको, उससे इनके मोमेंट्स में इनके पेन में काफ़ी रिलीफ हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे वही दुबई से कंसल्ट किया था, तो मैंने उनको कुछ एडवाइस किया था, कुछ मेडिसिन बताई थी, वो उन्होंने कंटिन्यू किया। देन आफ्टर उसके बाद इन्होंने यहाँ आने का प्लान किया कि इंडिया आकर हम ट्रीटमेंट कराएंगे। तो ये एक्सरे मैंने दिखाया हुआ है कि उसके बाद क्या हुआ, आपने और भी मेडिसिन भी ली, किसी और को दिखाया? हाँ, बहुत मेडिसिन ली, दिव्या कैट जैसे होती है वो, सिक्स दिव्या कैट आयुर्वेदिक होती है वो, 6 मंथ ली, और भी बहुत सी मेडिसिन ली। तो क्या बताया था जब 6 मंथ मेडिसिन ली थी आपने आयुर्वेदिक? वो बोलते हैं आपका धीरे धीरे सही कर दूंगा, लेकिन वो सही नहीं हुआ, दर्द और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अच्छा, अगर दर्द में रिलीफ होता है किसी मेडिसिन से, या किसी मेडिसिन में आपको खाने से आराम मिल रहा है, तो क्या बीमारी सही हो जाती है? नहीं, बीमारी नहीं सही होती सर, बहुत बढ़ जाती है वो। अच्छा। खाली पेन कम होता, होता है और लेकिन अंदर अंदर से वो बीमारी ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए जो पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर पेन किलर्स या पेन्स में रिलीफ हो रहा है आपके डिजीज में विद मेडिसिन, केवल आप मेडिसिन ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर अविनाश या कोई भी एलोपैथिक या आयुर्वेदिक कोई भी डॉक्टर जो है वो केवल मेडिसिन से एवियन और एंकलाइजिंग जैसी बीमारी को अगर क्लियर कर सकते हैं, तो ये 100% एश्योर मैं करता हूँ आपको कि ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऐसा होता है कि अगर ये पॉसिबल होता तो बहुत सारे रिसर्चर्स हमारे यहाँ लेबोरेटरीज हैं, उस पर मेडिसिन पे रिसर्च भी ऑलरेडी हो चुका है। मैंने पहले ही बोला है कि आप अपने रेगुलर रूटीन को नॉर्मलाइज करके आप इस बीमारी में कंट्रोल कर सकते हो, आप इस बीमारी को क्लियर कर सकते हो। ये मैंने फर्स्ट पेशेंट को, जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, फर्स्ट डे मैं उनको ये कंसल्ट करता हूँ। मेडिसिन कुछ दिन तक रहेंगी, उसके बाद आपको सारी मेडिसिन स्टॉप करनी है। मदन लाल ने विदाउट मेडिसिन 6 मंथ पहले ही इन्होंने अपने एक्सरसाइज से, जो हमने व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे डाल रखी थी इनके, और डाइट प्लान से इन्होंने अपने पेन को कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद ये मेरे पास कंसल्ट के लिए आया था और इलाज के लिए आने के लिए सोच रहे थे। तो यही उम्मीद करूंगा कि जो पेशेंट सफर कर रहे हैं इस वीडियो को इतना ध्यान। मदन लाल जी, अब क्या चेंजेस लग रहे हैं यहाँ पर? अभी तो मेरे को इतना चेंजेस है, मैं भाग सकता हूँ, पालकी मार सकता हूँ, पूरा अच्छा, मूवमेंट कर सकता हूँ। इस दौरान में कोई मेडिसिन हमने ली अभी तक? नहीं सर, कोई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं ली। नहीं। तो क्या चेंजेस लग रहे हैं तुमको और क्या इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि आप पहले से क्या बेटर है तुम्हारे हिप में? अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया, अभी स्टेज भी कम हो गया सर। अच्छा। मेरे चलने में, मेरे पूरा मूवमेंट में बहुत चेंजेस आ गया। बताओ जरा एक बार, आ जाओ थोड़ा और तेज जाओ फिर से। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप इस पेशेंट को, पेशेंट बोलते हैं कि सर इसमें आपने कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट की है जिससे पेशेंट को रिलीफ पेन में हुआ, तो मैं मदन लाल जी क्या ऐसा कुछ मैंने किया इस दौरान? नहीं सर, कुछ नहीं किया, कोई इंजेक्शन लगाया, कुछ कोई टैबलेट नहीं दिया, कुछ मेडिसिन दी नहीं, इंजेक्शन नहीं। तो क्या ये सेफेस्ट वे है कि हम जो मेडिसिन दें उसके बाद आपको आराम मिले, वो सेफेस्ट वे है? जी। क्या इन दोनों में क्या सही क्या है? सही तो यही है जो आप नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं उनमें रिलीफ हो तो उसमें तो बेटर है। तो एक पॉजिटिविटी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए। अब कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं कि सर मुझे मेडिसिन खाने के बाद या ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि मेरी प्रॉब्लम में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ या उनकी स्टेजेस में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो उनके लिए भी बता दूं कि जो पेशेंट अगर उनके अच्छे से फॉलोअप हैं, मींस अगर वो अच्छे सारी इंफॉर्मेशन या जो मैं वो सजेस्ट करता हूँ उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर वो फॉलो करते हैं तो उनको रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। अब मदनलाल का मैं एक्सरे दिखाऊंगा आपको कि क्या चेंजेस आए। ये 27 नवंबर का है जब हमने ये फर्स्ट टाइम का एक्सरे है, 6 and 27 का है जब ये मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फर्स्ट वाला देखेंगे तो इसमें ये है ऑस्टियोफाइट्स, ये देखना आप, इसमें कंप्लीट डिजनरेशन है बॉल का, साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टी जॉइंट स्पेसेस रिड्यूस है। तो ऑस्टियोफाइट मतलब होता है कि यहाँ पे नुकीलापन लगा, तो ऑस्टियोफाइट्स यहाँ पे भी है, इस वाले में भी है अर्ली स्टेज में। अब जो चेंजेस हमने पहले किए थे वो ये एक्सरे हैं, इसमें देख सकते हैं कि ऑस्टियोफाइट्स थोड़े से रिड्यूस हुए और बॉल का शेप क्लियर आ रहा है, स्पेसेस भी काफ़ी बढ़े हैं, यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आया है। दोनों को एक साथ देखें अगर हम तो काफी ज्यादा चेंजेस हैं इससे इसमें। ये 6 नवंबर का है और 7 नवंबर का।
अब जो ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद जब ये मेरे पास आए थे तो ये एक्सरे था, ये देख सकते हैं। तो अब इस एक्सरे में चेंजेस देखेंगे तो पहले से बेटर है, स्पेसेस जैसे मैंने पहले इम्प्रूव किया था तो उस हिसाब से चेंजेस आए हैं और पहले से इम्प्रूव भी हुआ था एक्सरे भी इनका। और जो हमने आज ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है ये देख सकते हैं 19 जनवरी 2021 का, जब ये मेरे पास सेकेंड टाइम विजिट के लिए आए थे। और आज का एक्सरे मैं दिखा दूं तो ये चेंजेस है। अब इसमें देख सकते हैं पूरी तरीके से बॉल अलग है दोनों से, और जो डिजनरेशन था वो भी पहले से बेटर हो रहा है। अब इस बारे में देख सकते हैं स्पेसेस काफी अच्छे हैं और क्लियर है। अब दोनों एक्सरे में देखें 6 नवंबर का, देन 31 जनवरी का, आज का, और ये जब मेरे पास आए थे उसके पहले, दोनों में काफी हद तक चेंजेस है। पेल्विस भी पूरा बराबर है, जो कि एक ऊपर एक नीचे जा रहा था, तो दोनों में डिफरेंस काफी अच्छा है, चेंजेस काफी अच्छे हैं पेशेंट में। तो अब मदनलाल, ये एक्सरे हमने इसलिए दिखाया कि मदनलाल को एक बीमारी एंकलाइजिंग और भी है इसके साथ साथ, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक्सरे है उसका, HLA-B27 की ब्लड टेस्ट होता है, वो टेस्ट पॉजिटिव है, इसलिए ये एक्सरे भी मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचाती है आपकी बॉडी में। तो ये देख सकते हैं पूरी तरीके से फ्यूज है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बॉल पूरी तरीके से, या जो हिप की जो इसमें स्पाइन का जो इसमें वर्टीब्राज हैं जो देख सकते हैं पर्टिकुलर, उसमें स्पेसेस भी कम हो रहे हैं। ये धीरे धीरे अर्ली स्टेज में यहाँ पर डिजनरेशन भी स्टार्ट है और यहाँ पर एक्युमुलेशन भी हो रहा है, कैल्सिफाइड भी हो रही है यहाँ पर। तो ये चेंजेस इनकी स्पाइन में भी आ रहा है, जिसमें देख सकते हैं क्लियरिटी भी स्पाइन की जा रही है, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी स्पाइन की कम हो रही है। ये शो करता है कि अगर ऑस्टियोफाइट मार्जिन्स जो होती हैं वर्टीब्राज की, अगर ये पूरी क्लियर शो हो रही हैं और अंदर ये कम है, तो डेंसिटी बोन की हम समझ सकते हैं कि कम हो जाती है। और ये एंकलाइजिंग में मोस्ट कॉमन एक्सरे है, इस तरीके के एक्सरे ही स्टार्ट होते हैं बीमारी में। तो मदनलाल जी, ये कैसा लग रहा है, क्या चेंजेस हैं और क्या बोलना चाहेंगे जो पेशेंट सफर कर रहे हैं? जो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं इवन के लिए, उसको टाइम वेस्ट मत करना चाहिए, जहाँ डॉक्टर अपने सर के पास आना चाहिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्या लैंग्वेज में? जी है ना, क्योंकि पंजाब से है बेसिकली, थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू है। तो सर पंजाब की जो वही लैंग्वेज उसमें बोल के दिखाओ था मुझे, कैसे बोल सकते हैं उसमें? जिसको भी ये मिस्टेक हो रही है क्योंकि हाँ जी, सत श्रीकाल जी, जिन्होंने भी जिदा एवियन की प्रॉब्लम हैगी है, वो जिदा मतलब डॉक्टर अवनीत साहब से मिल सकते हैं, तो अपने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैनू भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सी, तो मैनू 90% रिलीफ मिलया जी, जिन्हों भी ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डॉक्टर अवनीत साहब को मिल सकता है। थोड़ा सा क्या है कि लैंग्वेज इनकी के पंजाबी है ये, जी जी पंजाबी बोलते हैं, तो क्या हिंदी फिर पंजाबी फिर इंग्लिश, थोड़ा सा क्या मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा इश्यू आते हैं, इस वजह से बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। बिकॉज ऐसा होता है कि एकदम से कन्वर्ट करना हिंदी को फिर पंजाबी में बोलना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। और बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं, फिलहाल अभी दुबई में शिफ्ट हैं, दुबई में नौकरी करते हैं। अच्छा मदनलाल, नीचे बैठ सकते हो? जी जी सर, बैठ, बताओ जरा। उनके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज कि आप जितना हो सकता है केयरफुल रहें, अवेयर रहें बीमारी को लेकर और इलाज को लेकर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इलाज कराना या किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका थॉट क्या है आपके डिजीज़ को लेकर, और क्या वो उस डिजीज़ को लेकर कितना हद तक पॉजिटिव है आपके डिजीज़ को लेकर, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट लगता है। और आपके डिजीज़ को कितना कवर कर सकते हैं हम, किस क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर वो नेचुरल हीलिंग की तरफ बढ़ रहा है कि वो मेडिकेशन पर रह रहा है, तो वो दोनों ही आपके लिए मायने रखेंगे। तो केयरफुल रहें और अवेयर रहें। थैंक यू सो मच, विश यू अ गुड हेल्थ, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।